हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग बाय बजधिया में। तो पिछला मैं पढ़ चुका हूँ शुड का प्रयोग, अब हम पढ़ेंगे शुड हैव का प्रयोग। शुड हैव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, पहले ये बात समझ ली। शुड हैव का प्रयोग पास्ट में करते हैं, जो पास्ट में कुछ घटनाएं या कुछ गलतियां होती हैं तो उसके लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। Should have means that something did not happen. इसका मतलब ये है कोई भी घटना घटती नहीं है, इसको हम खुद घटित करते हैं। तो ये लिखा है but we wish it had happened. ये हम कामना करते हैं कुछ घटना को घटाने की, ठीक है। कुछ घटना घटती है तो हम उसकी कामना करते हैं, हम खुद अपने आप कोई घटना नहीं करती है। We use should have to talk about past mistake. हम इसका शुड हैव का यह वी यूज शुड हैव टू टेक अबाउट पास्ट मिस्टेक। शुड हैव का प्रयोग हम पास्ट की गलतियों के लिए करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और क्रिया का ये और यह बात है, क्रिया का तीसरा रूप इसके साथ आता है। तो वी शुड हैव We should have sung the song. We should have sung the song. मुझे गाना गाना चाहिए था, मुझे गाना गाना चाहिए था। क्या ये हमसे मिस्टेक हो गई है कि मैंने गाना नहीं गाया? तो क्या बता रहा था, अबाउट पास्ट मिस्टेक, जो भूतकाल में हमसे गलतियां हुई हैं तो वो हो गई वो वापस तो नहीं आएगा। तो देखा वी शुड हैव संग द सॉन्ग, मुझे गाना गाना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट You should have read the all subject. तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए थे। क्या हुआ, पेपर टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और बाकी सब छोड़ दिया, एक में पास हो गए और बाकी सब में फेल हो गए। तो बाद में पछताने के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। मंजिल को हासिल करने के लिए हमें एक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में हम, जिस क्लास में हम, हाई स्कूल इंटर में, तो सबको हमें 30-30 40-40 मिनट को हमें देखना चाहिए पर डे। 6 है सब्जेक्ट, होते किसी में इंटर में 5 होते हैं, तो आधा घंटा हिसाब से कम 2.5 घंटा हमें रोज पढ़ना चाहिए। हाई स्कूल में 6 होते हैं उसके हिसाब से कम 3 घंटा, अगर मैथ है तो मैथ के लिए कम से कम 1 घंटा हमें निकाल कर टाइम देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला, इसमें पास्ट टेंस जैसे I should have bought the car. मुझे कार खरीदनी चाहिए थी। इसका मतलब एक है, कोई घटना घटती नहीं है अपने आप, हमें घटना को घटाना पड़ती है कि मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। तो क्या अपने आप थोड़ा हो जाएगा, उसमें करना पड़ता है तब कोई कार्य उसमें होता है। तो I should have bought the car. मुझे कार खरीदनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं खरीदी। ये गलती किसकी है, ये गलती हमारी गलती है। जो कार्य करेगा गलती उसी की रहेगी। तो शुड हैव का प्रयोग ध्यान से पढ़ लीजिए इस डेफिनेशन को और इन एग्जांपलों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देख लेते हैं, वी शुड हैव संग द सॉन्ग, मुझे गाना गाना चाहिए था। उसके बाद यू शुड हैव रीड द ऑल सब्जेक्ट, तुम्हें सारे विषय पढ़ने चाहिए थे। उसके बाद आई शुड हैव बोर्ड द कार,
मुझे कार खरीदनी चाहिए थी, और सारे बना सकते हैं जैसे जैसे दे है, दे शुड हैव, दे शुड हैव, दे शुड हैव टेकन द मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन द मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी लेकिन नहीं ली, क्योंकि जब बीमार हुए तब पछताए कि इससे पहले दवा ले लेता तो शायद मैं आज बीमार ना होता। तो क्या है, पास्ट में गलती की हुई, अब प्रेजेंट में हम क्या है, अब वहां से गुजर रहे, निकल आए, अब हम प्रेजेंट, हम प्रेजेंट टाइम पे हम क्या है, पछता रहे हैं, ठीक है, पछता रहे हैं, वहां से गुजर कर हम फ्यूचर में आ गए हैं, क्या आ गए हैं, फ्यूचर में, अब पछता रहे हैं। जो हम जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं, मैं पछताता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, जाता हूँ, खाता हूँ, करता हूँ, ये सब प्रेजेंट टेंस की बात करता हूँ, तो ये सब पीछे गुजर गया, जब वो आगे बढ़ गया है तब वो पछता रहा है, जब भविष्य में पहुंच गया अब बोल रहा है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था तो आज मैं बीमार नहीं होता, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए थी तो आज मैं बीमार नहीं होता। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, तो शुड और शुड हैव में आप अंतर को समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।